अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सारी ब्यूटीफुल लेडीज़, आप लोग कैसी हैं? अल्लाह करे आप लोग भी खैरियत से हों, बहुत खुश हों। और आज आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त पाए की रेसिपी लेके आई हूँ। पूरा व्लॉग देखिएगा, कुछ गपशप भी होगी, पाए भी बनेंगे और जैसे होता रहेगा काम मैं दिखाती रहूँगी। ये तकरीबन 3 किलो पाए हैं, 2 बड़े पाए बछिया के हैं और इनका वज़न जो है वो तकरीबन है 3 किलो। तो ये साफ़ किए हुए आते हैं, बस इन पे बाल जो लगे होते हैं ना उनको फिर बहुत अच्छी तरह रेज़र से साफ़ करना होता है। तो मैंने वो रेज़र से बहुत अच्छी तरह साफ़ कर लिया था और फिर इसमें मैंने पानी डालकर और नमक डालकर इसको कुकर में मैंने बनाया था। तो वो जैसे जैसे मैं बना रही हूँ आप लोगों को दिखाती रहूँगी। अगर किसी ने कभी नहीं बनाए हैं पाए तो इस तरह बना ले, बहुत अच्छे बने थे और आसान है। तो अभी मैंने इसमें तकरीबन डबल पानी डाला है जितना पाए थे और उसका डबल पानी है। और ये 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 प्याज जो है वो डाल दी है, इस तरह 2 तेज़ पत्ते डाल दिए हैं, थोड़ी सी हल्दी, 1 टेबल स्पून सौंफ और 1 टेबल स्पून सूखा धनिया। तो इसकी हम यखनी सी बना लेंगे। नमक मैं पहले डाल चुकी हूँ और इसकी यखनी बन जाएगी और पाए गल जाएंगे, फिर मैं आगे बताती हूँ आप लोगों को क्या करना है। अभी मैं इसको प्रेशर कुक कर रही हूँ, तकरीबन 25 मिनट मैंने जो है कुकर में रखा है अपने। तो अब ये 25 मिनट के बाद जो है मैं इसको खोल रही हूँ और पाए जो है वो बहुत अच्छे से गल गए थे और मुझे बिल्कुल इसी तरह चाहिए थे। बाकी पाए जो थोड़ा बहुत अगर इसमें कसर रह भी गई है ना तो वो फिर मैं एंड में फिर इसको दम पे लगा के 1 घंटा आधा घंटा रखूँगी। अच्छा, पाए गलने की निशानी ये है कि ये हड्डी को छोड़ देते हैं। और ये देखें मैंने कांटे से इसको हल्का सा किया है और इसकी बोटी जो इसकी वो है गोश्त वो अलग हो रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह का मुझे चाहिए था और इसको मैं अब दूसरी देगची में इस तरह निकाल लूँगी और फिर जो कुकर में जो है वो दूसरा जो है वो हमारा बैच जाएगा, क्योंकि पाए ज़्यादा थे, कुकर छोटा था। तो 2 दफ़ा में इसको मैंने गलाए हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने इसी तरह इसका पानी जो है इस पर रख दिया है और तेज़पत्ता और थोड़ी सी हल्दी और नमक और प्याज और सूखा धनिया और सौंफ डाल दी है। बाहर का मौसम बड़ा ही अच्छा चल रहा है आज, बिल्कुल भी सर्दी नहीं थी दिन के वक्तों, मगर शाम में हल्की सी हो गई थी। बहुत अच्छा प्लेजेंट वेदर था और धूप भी हल्की हल्की थी, हल्के हल्के बादल थे, माशाल्लाह बहुत अच्छा अक्टूबर के लिहाज से बड़ा अच्छा वेदर चल रहा है। तो मैंने कहा आप लोगों को बाहर का भी दिखा देती हूँ। और नीचे हमारे गार्डन की जो है वो घास वास भी कटी थी आज ही के दिन, तो बड़ा नीट एंड टाइडी सा हमारा गार्डन हो रहा था। अच्छा, यहाँ पर जो है ये मेरे पाए, मेरे नहीं, मेरा मतलब है बछिया के पाए बछिया के जो पाए हैं, जो दूसरा बैच गया था इसमें वो भी गल गया और आप देख रहे हैं कैसे मज़ेदार सी जो बोटी है ना वो हड्डी से अलग हो रही है और ये भी बहुत अच्छा सा गल गया है। फिर भी मैं इसको इसी तरह देख लूँगी कांटे से और ये मुझे लग रहा है कि बिल्कुल परफेक्ट है। इसको भी मैंने तकरीबन 25 मिनट जो है कुकर में प्रेशर कुक किया है। आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से 25 मिनट 20 मिनट या जैसा भी चाहे वैसा कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने तकरीबन भरकर 1 कप ऑयल लिया है, 1.5 कप और 3 मीडियम प्याज। अगर बड़ी हो तो बड़ी बड़ी हैं तो 2 ले लें, वरना मीडियम सी हैं तो 3 मीडियम प्याज बारीक बारीक लेवल सी काट कर और फिर उसको इस तरह से मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको अब हम ऐसा करेंगे गोल्डन ब्राउन सा। तो प्याज जो है वो कुछ लोग प्याज जो है कच्ची भी डाल देते हैं ना, कि मतलब पीस कर डालते हैं, मगर मुझे वो इतना मज़ेदार नहीं लगता। मेरे अपने हिसाब से कच्ची प्याज की बहुत तेज़ स्मेल होती है और उसको बहुत ज़्यादा भूनना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर 4 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 2 टीस्पून जो है ये ज़ीरा पाउडर है, 3 टेबल स्पून जो है वो रेड चिली पाउडर है, आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, 2 टीस्पून जो है ये कश्मीरी लाल मिर्च है और 1 टीस्पून जो है गरम मसाला है। ठीक है, ये जाएगा 2 टेबल स्पून जो है भर भर कर, ये 2 to 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। अच्छा, जब प्याज इस तरह हो जाए ना जैसे अच्छी सी ब्राउन सी, तो फिर आप इसमें अब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और फिर इसको अच्छा सा भूनेंगे। कुछ लोग जो है वो ये भी करते हैं कि इस मौके पे प्याज निकाल लेते हैं और फिर उनको चूरा करके रख लेते हैं फिर बाद में ऐड करते हैं, मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो काम ही बढ़ता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने प्याज का किया क्या था। प्याज को ब्राउन करके मैंने लहसुन अदरक पेस्ट डाला, इसको थोड़ा सा पानी डाल के हम भूनेंगे, फिर सारे मसाले भी डालेंगे फिर भूनेंगे। भूनने का काम अच्छा खासा है और क्योंकि हमारे पाए वैसे तो तैयार है यखनी, मगर मसाले को हमने बहुत अच्छा सा भूनना होता है। तो ये सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसमें है धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर, कश्मीरी पाउडर और
थोड़ा सा वो है ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। इसमें मैंने हल्दी नहीं डाली है क्योंकि मैं हल्दी पायो में यखनी में जो है वो डाल चुकी थी। तो बस इसको बहुत अच्छे से भूनेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के जो है मैं इसको ढक कर रख दूँगी और इसकी प्याज जो है वो ज़रा और नरम हो जाएगी। तो पाए बहुत अच्छे बने थे, अगर किसी ने नहीं बनाए तो आप मेरी रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। ये दो पाए मैंने लिए थे जिनको कटवा लिया था और वेट में ये है 3 kg है, तो बहुत अच्छे बने थे और इसी तरह बनते हैं अमूमन पाए। अच्छा, यहाँ पर अब मैं खूब इसको हिलाऊं मिलाऊंगी और ये जुगाड़ मेरा। तो कुछ लोग जो है प्याज पहले निकाल के उसको चूरा कर लेते हैं, मैंने सोचा कि भाई मैं इसको हैंड मिक्सर से इसी में जो है वो मिक्स कर लूँगी ताकि ये अगर थोड़ी बहुत नहीं भी गली तो ये शोरबे में वो प्याज जो तैरती हुई आती है ना वो अच्छी नहीं लगती है। तो इसको इस तरह बहुत अच्छा सा हमने पीस लिया है। इसी में 1 कप भर कर जो है वो दही लिया है, इसको भी खूब अच्छा सा फेंटना है। अगर फेंट के नहीं डालेंगे फुटकियाँ बनेंगी, फिर मुझसे नहीं कहना कि भाई हमारा जो पाए है वो ख़राब हो गए। ठीक है ना, मैंने पहले ही बता दिया है कि दही को बहुत अच्छा फेंटना है। अब दही को भी इसमें मिक्स कर लेंगे। प्याज हमारी इसी में पिस चुकी है और मसाला हमारा भुन चुका है थोड़ा बहुत, बाकी जो कुछ भी है वो दही के साथ भुनेगा। और ये बहुत ऊधम सा जो है वो पाए का मसाला तैयार हो रहा है। इस मौके पर चख लें, मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा था तो फिर मैंने नमक ऐड किया है थोड़ा बहुत। और भी अगर आपको कोई कमी पेशी लग रही है कि भाई मिर्च कम है तो वो भी डाल सकते हैं, अब गरम मसाला कम है। अच्छा, गरम मसाला मैंने सिर्फ 1 teaspoon डाला था अभी, बाकी मैं एंड में डालूंगी क्योंकि दम पर जब मैं लगाऊंगी ना तो उस वक्त फिर मैं गरम मसाले का छिड़काव करूंगी। पायों में इस तरह ही होता है। तो इसको मैं फिर अब भूनने ही की कोशिश कर रही हूँ और जब तक अच्छा सा नहीं भुन जा रहा, देखें कितना अच्छा ऊपर इसका ऑयल वगैरह आ गया है और ये बहुत अच्छा सा भुन गया है, बिल्कुल भी नहीं जला है, बहुत अच्छा है। और अब इसमें कोई कच्ची स्मेल नहीं आ रही है। अब ये हमारे पायों के लिए यखनी में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये देखें कितना मज़ेदार ये वाला काम है कि मतलब यखनी में पाए का मसाला वो जो भुना है वो जा रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ये कॉम्बिनेशन। और ये करते हुए मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे बस अब मिक्स 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 बहुत अच्छा सा मिक्स करना है कि हर बोटी में हर हड्डी में जो है वो पाए का वो जो हमने मसाला भुना है वो चला जाए। और ये देखें कितना अच्छा रंग निकल के आया है। गोश्त तो वैसे ही बहुत अच्छा गला था पाए मतलब, और मसाला भी पड़ गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा ना गरम किया हुआ उबलता हुआ पानी डालूंगी क्योंकि मुझे शोरबा थोड़ा ज़्यादा करना है, ये मुझे कम लग रहा था। और इस टाइम पे मैंने इसमें पानी मिक्स किया, ठंडा पानी नहीं डालिएगा आप लोगों को भी जब करना हो, हमेशा बॉयल पानी करके रखें और फिर इसको इसमें ऐड कर दें। तो ये देख रहे हैं ना, और पाए का शोरबा थोड़ा सा पतला पतला साइड पे ही होता है, सूप की तरह ही होता है, और इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें वो डाला है, मगर एंड में मैं इसको गाढ़ा करूँगी। अच्छा, गाढ़ा करने के लिए जो है मैंने थोड़ा सा मैदा लेके और उसको बहुत अच्छे से फेंट लिया था और छान कर पानी में उसको फिर पानी का उसका घोल सा बना लिया और फिर मैंने उसको फिर इसमें ऐड कर दिया था। तो वो शायद क्लिप मुझसे मिस हो गया है, वो मैं बना नहीं सकी। तो अगर आप लोगों को पाए का शोरबा पतला लगे तो एंड में बिल्कुल ये करना है। इसके बाद यहाँ पर 1 teaspoon मैं दोबारा से गरम मसाला छिड़क दूंगी क्योंकि वो पहले डाला था हमने, और अब ऊपर से भी डालेंगे हम। अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप तकरीबन आधा टीस्पून और बढ़ा लें। और ये देखें पाए जो हैं वो बिल्कुल हलवा हो गए हैं, और ये वाले हलवा पाए ही मुझे चाहिए थे। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो मैंने तकरीबन यकीन करें इसको 1 घंटा और रखा था दम पे, तो ये हो गए थे। यहाँ पर फिर पाए के जो लवाजमात होते हैं, अदरक, धनिया, पुदीना, लेमन और हरी मिर्चें, ये काट के रख लिए थे। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं पाकिस्तान से लाई थी रोटी रखने की ढलिया, हम लोग तो इसको ढलिया कहते हैं, पता नहीं कौन इसको क्या क्या कहता है। और ये काफ़ी बड़ी थी तो मेरी नज़र पड़ी तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा भाई ये मैं आज निकालती हूँ और इसमें मैं नान वगैरह रखूँगी। तो इतनी अच्छी मुझे ये ढलिया लगी थी। अच्छा, इसका एक ना मैं बताऊँ बचपन का किस्सा मैं आप लोगों को, जब भी हमारे यहाँ ये ढलिया में ना रोटी बन के रखी जाती थी, इसके ऊपर कपड़ा होता था, कपड़े में रोटी होती थी, कभी ऐसा हो रहा होता था कि मेहमान आ गए और हम ढलिया में रोटी रख के खा रहे तो सबसे पहले हम भाग के जो है ना ये ढलिया छुपाते थे। और मुझे ये इतनी बचपन में बुरी लगती थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, कि इधर किसी की बेल बजी और किसी ने कोई आया भाई ने बताया कि भाई फला आए हैं, और मैं अगर हम खाना खा रहे हैं बैठे हुए तो सबसे पहले हम इस ढलिया को छुपा के आते थे किचन में कि ये मेहमानों की नज़र ना पड़ जाए।
मगर अब देखो हम खुद शौक से ख़रीद के लाए पाकिस्तान से इसको और हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा लगता है। यहाँ पर हस्बैंड जो है वो चाय बना रहे थे और अब ये शाम का टाइम हो गया था और एक कप चाय आए हाय का वक्त था, तो हमने कहा भाई चाय आप बना लीजिए, तो हम थोड़े थक गए थे तो मेरे हस्बैंड ने चाय वाय बनाई है, यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ चाय और उसके बाद हम चाय पियेंगे। और पाए खाने के लिए हमारे पास भाई कोई आ भी रहा था, ऐसा नहीं है कि ये हम अकेले अकेले पाए खाएंगे, तो एक फैमिली को आना था शाम में, तो उसी की नियत से उसी के हिसाब से मैंने पाए बनाए थे। और अभी क्योंकि टाइम था तो मैंने कहा चलो मौसम को इंजॉय किया जाए, मौसम देखे ज़रा, और ये गार्डन व्यू देख के दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो मैं अपनी चाय लेके थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई थी और यहाँ पर मैंने खड़े होकर थोड़ा सा जायज़ा लिया तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और ये वाली हरकत कौन कौन करता है ये वाली हरकत कौन करता है, चाय बिस्कुट, बिस्कुट जो है वो चाय में डुबा डुबा कर कौन खाता है। तो मैं तो भाई चाय बिस्कुट जब भी खाती हूँ तो इसमें इस तरह खाती हूँ जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा चाय बिस्कुट कौन कौन ऐसे खाता है, ठीक है। अच्छा जी, मेहमान वगैरह आ गए थे, गप्पे शप्पे लगी, मज़ा आया, बड़ा ही मज़ा आता है और इस तरह के खाने हो, साथ में मेहमान हो, बातें हो रही हो, तो किसको अच्छा नहीं लगता, तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था। और अब वक्त हो गया था पाए निकालने का, यानी खाना लगने का, तो यहाँ मैंने पाए निकाले हैं, साथ में मैंने इसके धनिए का छिड़काव भी किया है और गर्म, बहुत अच्छे से गर्म हो गए थे। और बस सारी चीज़ें हम निकालेंगे और बैठ के हम जो है वो पायों को इंजॉय करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की ये पाए की रेसिपी और आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और सर्दियों में एक बार पाए ज़रूर बनाने चाहिए, मुझे भी बड़े ही अच्छे लगते हैं। वैसे मुझे ज़्यादा पसंद जो है ना वो जो गाय के पाए होते हैं वो होते हैं मुझे, क्या मोस्टली लोगों को, क्योंकि उनमें टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और बकरे के पाए भी अच्छे बनते हैं मगर ये वाले पाए जो है ना इनकी बात ही अलग होती है। तो बस अब टाइम हो गया था खाना लगने का और जो है बस यहाँ पर अब मैं पाए वगैरह निकाल के रख रही थी और हरा मसाला वगैरह और पहले ही काट लिया था और टेबल भी लग गई थी, तो बस अब खाना खाएंगे। और पाए माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे, हमारे मेहमानों ने भी शौक से खाए और हमने भी बड़े शौक से बनाए थे, तो जब शौक से बने हुए हों और शौक से कोई खुश होके खाए तो वैसे भी अच्छा लगता है। और ये देखें हमारी ढलिया में नान वगैरह रखे हुए हैं, ये ढलिया तो मैं लाकर भूल ही गई थी और आज ये निकली तो मुझे बड़ी ही अच्छी लगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मिलूंगी अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में, ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये वाला व्लॉग कैसा लगा है। और अपना ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।